आखिर क्या चल रहे डे टू के लेटेस्ट शूटिंग ट्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6 लोगों को बिग बॉस 70 से बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसके नाम मुनर, फारूकी, अभिषेक, अरुण, ओरा, आयशा और समर्थ है। लेकिन ऐसे में आपने एक चीज़ सुनी, ओटो की नोटों की बारिश सुनाऊंगा आपने कि नोटों की बारिश, ये अपने ये अल्फाज सुनेंगे। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ, अभी ओटो की बारिश हो रही है मुनर फारूकी पे, इतने सारे उठ के जा रहे हैं ना, मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अभी के लेटेस्ट शूटिंग ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कौन कितने नंबर पर है और मुनर फारूकी किस लेवल के उठ मिल रहे हैं, वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार मैं आप सभी इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। लेकिन आप वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है तो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ अभी के क्या चल रहे हैं लेटेस्ट शूटिंग ट्रेंड, कौन चल रहा है सबसे लास्ट। तो आप साधु जो सबसे लास्ट चल रहा है भाई, वो ओरा ही चल रहा, ओरा सबसे लास्ट चल रहा है। लेकिन इसे में अगर आप बात करेंगे चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे चल रहे हैं, सॉरी पांचवें नंबर पे चल रहे हैं अरुण भाई। लेकिन इसे में अगर आप बात करेंगे चौथे नंबर पे, तो जो भाई समर जो पांचवें नंबर पे चल रहा था कल, लेकिन अब आ चुका है वो चौथे नंबर पे। यानी कि आप बता दूं समर को अच्छी खासी वोटिंग मिली है कल के मुकाबले में, हो सकता है कि वो नीचे भी आए क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप तीसरे नंबर की बात करेंगे, तो भाई तीसरे नंबर पे अभी तक भी आयशा है, मुनर फारूकी के फैन, कई सारे फैन चाहते हैं कि वो निकलना चाहिए, लेकिन अब इन्हें वोट कौन कर रहा है तो हमें पता नहीं है। इनकी भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, 3 मिलियन के करीब करीब इनके इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर है, हो सकता है वो उनको आउट कर रहे होंगे। लेकिन आपने किसे आउट किया वो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करेंगे दूसरे नंबर की, तो भाई दूसरे नंबर से जब से वोटिंग स्टार्ट हुई ना, जब से लेकर तो अभी तक दूसरे नंबर पे चल रहे अभिषेक कुमार। और यकीन मानिए, अगर इस लिस्ट के अंदर मुनर फारूकी नहीं होते तो अभिषेक नंबर वन होते। मतलब बाकी बिग बॉस का कोई भी खिलाड़ी अगर नॉमिनेट में चल जाता, चाहे अंकिता क्यों नहीं जाती, तो अभिषेक कुमार उसी भी टक्कर देते थे और पहले नंबर पे रहते थे। यहाँ पे मुनर फारूकी, और मुनर फारूकी की जिस लेवल के वोट मिले ना भाई, वोटों की बारिश हो रही है। अगर आप ये 5 खिलाड़ी को एक तरफ कर देंगे और मुनर फारूकी एक तरफ कर देंगे, तो ऐसे ही समझिए एक तरफा वोट मिल रहे मुनर फारूकी को। मुनर फारूकी के फैन समझ रहे कि फैनाले है। मतलब जब ये जलवा वोटिंग के दौरान है, मतलब नॉमिनेशन के वोटिंग के दौरान है, तो ज़रा सोचिए फैनाले के टाइम पे क्या होगा भाई, जब बिग बॉस का फैनाले आएगा उस वक्त मतलब क्या आलम होगा। तो आप सुना दूँ एक तरफा वोट मिले मुनर फारूकी को, मतलब अलग ही लेवल का स्वैग है मुनर फारूकी का। तो गाइस अगर आप मुनर फारूकी की जनता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। तुम कुछ भी कर लो, जीतेगा तो भाई, ऐसा कहना है मुनर फारूकी फैन का। आपका भी कहना कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।